कि ममता जी लोकसभा के चुनाव में हार रही हैं। बंगाल कितना इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए? बंगाल को भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। घुसपैठियों का इशू है, उनको यहाँ पर पनपाया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप ये मेगा रोड शो कर रहे हो कोलकाता में, इस बार क्या लगता है बंगाल का रिजल्ट क्या होने वाला है? बंगाल में जो मैं उत्साह देख रहा हूँ और जो मैं उमंग और खुशी देख रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास देख रहा हूँ, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि ममता जी लोकसभा के चुनाव में हार रही हैं और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है। हमारी पीछे 18 सीटें थी, हम इससे कहीं ज्यादा, यानी हम जस्ट डबल के आसपास हम जाएंगे, 30 प्लस हम रहने वाले हैं। और एक तरीके से बंगाल को भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। सर, बंगाल कितना इम्पोर्टेंट है पूरे देश के पैरामीटर में? बंगाल कितना इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए हर स्टेट महत्वपूर्ण है, हर स्टेट इम्पोर्टेंट है और बंगाल भी उससे अछूता नहीं है। और बंगाल में जिस तरीके का ममता जी के राज में जो जंगल राज चला है, यहाँ जो लॉलेसनेस है और जो लॉ के स्टैंडर्ड्स को नीचे गिराया गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब की है, और जो यहाँ पर बहुत से इश्यूज हैं जैसे ये घुसपैठियों का इशू है, उनको यहाँ पर पनपाया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है, उनको पैम्पर किया जा रहा है, और यहाँ के डेमोग्राफी का भी इशू है और भी बहुत से इश्यूज हैं। इन सभी इश्यूज पर यहाँ की जनता ममता जी से नाराज है और उनको आशा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी से है, और इसलिए एक तरफा फैसला कमल के निशान पर बंगाल की जनता दे रही है। आप देखिए, ये उत्साह देखिए, इतनी रात इतनी गर्मी में इतनी जनता उतरी उभरी हुई है, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तृणमूल का दावा है कि तृणमूल खुद 30 से ज्यादा सीटें लाएंगी, आप क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है कि दावा करना ममता जी की पुरानी आदत है, लेकिन उनके जमीन उनके नीचे से खिसक चुकी है, लोगों को उन पर कोई विश्वास नहीं है, ना उन्होंने माँ की चिंता की है, ना माटी की चिंता की है, ना मानुष की चिंता की है। और महिलाओं का उत्पीड़न तो इस प्रकार से हुआ है कि शाहजहां शेख, ये अपने आप में एक कहानी बताता है जो बंगाल के गांव गांव की कहानी बन गई है, मोहल्ले की कहानी बन गई है, इलाके की कहानी बन गई है। और ये जो टोलाबाजी और ये जो टीएमसी के गुंडे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक गुंडा राज और टोला राज चलाया है, उसके खिलाफ लोग अपना स्पष्ट मत दे रहे हैं। सर, ममता बनर्जी ने आज ये कहा है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं कन्याकुमारी ध्यान रखने के लिए, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि वो कैमरा लेके जाएंगे, क्या कहेंगे? ऐसा है, ममता जी के ओछे और हल्के बयान, उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आज एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, आपने देखा होगा, जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया है और जिस तरीके का उन्होंने जो शब्दों का उपयोग किया है और जो उन्होंने अपने हाथ से जो अदा जो जिस तरीके का उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो बताता है उनकी सोच का, इसलिए उनके उस पर टिप्पणी की देना चाहिए। रिजल्ट आएगा 26 पे, इफेक्ट आएगा 26 के चुनाव पे, हर चुनाव का एक दूसरे पर असर पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफा अभी जीत रही है और हम सरकार भी आगे जाकर के बनाएंगे। हमने बात की जेपी नड्डा से, जो कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं, और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल से जीतेंगी। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता।